जनपद हापुड़ के बाबागढ़ क्षेत्र के बछलौता मार्ग का जल्द ही निर्माण शुरू होगा। शुक्रवार को सड़क के मिट्टी की जांच के लिए नमूने लिए गए, जो जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे। बता दें कि 9 किलोमीटर की सड़क से हर किलोमीटर के बाद एक सैंपल लिया जाएगा। ऐसे में कुल 9 सैंपल लिए जाने हैं, जिसका कार्य शुक्रवार को शुरू हुआ, जहाँ इंजीनियर की टीम क्षेत्र में पहुंची और सैंपल लिए। मैं NH24 से बुलंदशहर बॉर्डर से बॉर्डर में सैंपलिंग कर रहा हूँ। 0.0102 से सैंपलिंग कर रहा हूँ। अभी तो सोल्डर तैयार कर रहे हैं, वो बाकी सैंपलिंग कर रहे हैं। आज सैंपलिंग करके जाएंगे, जो भी मतलब उसके रिश्ता टेस्ट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसका जैम तैयार करेंगे, उसके बाद हम फिर रोड को मतलब बनाएंगे। ज्ञात हो कि हापुड़ मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मार्ग का शिलान्यास किया था। करीब 10 करोड़ 45 लाख की लागत से 9 किलोमीटर लंबे बछलौता मार्ग का निर्माण होगा, जिससे 20 गांवों की करीब 50,000 आबादी को राहत मिलेगी। बता दें कि पिछले 5 वर्षों से बछलौता मार्ग क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। बारिश के दिनों में तो यहां तालाब बन जाता है। बताते चले कि बछलौता मार्ग का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जाएगा। FDR तकनीक से सड़क बनाई जाएगी। इस तकनीक में तारकोल का इस्तेमाल नहीं होता, साथ ही पुरानी सड़क की गिट्टी समेत अन्य चीज़ों का इस्तेमाल दोबारा सड़क बनाने में किया जाता है। बता दें कि बछलौता मार्ग के निर्माण से बछलौता, होशियारपुर गढ़ी, भड़ंगपुर, नूरपुर, भमेड़ा, छपकौली आदि गाँव के ग्रामीणों को राहत मिलेगी। अरे इस गड्ढे में भरवा तो दही छोड़ जाओगे या इसमें और एक्सीडेंट क्या करोगे? नहीं, जब ये कट्टे भर के जब ये कट्टे भर के